नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था, वहां पे हमने देखा था कि भाई मार्केट के अंदर जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे लॉन्ग साइड का, और मार्केट के अंदर वीकनेस थी। तो जब हमने डिस्कशन किया था इस वाली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की जो पोजिशन थी वो बियरिश थी, और हमने आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश रह सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो मार्केट के ट्रेंड को एग्जैक्टली फॉलो किया डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। मार्केट ने जहां पिछले दिन जो क्लोजिंग की थी वो क्लोजिंग यहां पर की थी, और मार्केट ने एक डाउनसाइड मूव दिखाया। मार्केट गया तकरीबन 100-150 पॉइंट नीचे चला गया था मार्केट जब मार्केट फ्राइडे के दिन खुला था। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्लोजिंग की थी 17,800 के आसपास, और मार्केट ने जो लो बनाया 17,600 के आसपास बनाया, तो तकरीबन यहाँ पर 200 पॉइंट का फॉल आया। तो दोस्तों, यही फायदा होता है डाटा पॉइंट्स को कैरी और डाटा पॉइंट्स के साथ चलने का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि लास्ट दिन के मुकाबले 200 पॉइंट का जो मूव आया, जब ये 200 पॉइंट का मूव आ चुका था और 17,600 के आसपास मार्केट था, तब मैंने ओपनली सबको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आप ये जानते होंगे कि फ्राइडे को मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पर 17,600 के आसपास आप गलती से भी शॉर्ट मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है 17,600 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये सबको ओपनली बताया गया था। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो ज्वाइन कर सकते हो आप, इस लिंक से ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहां पर कोई ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन मिलती है आपको जानने के लिए कि डाटा पॉइंट्स किस तरीके के चल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वही हुआ कि 17,600 के आसपास हम लोगों ने आपको ये बताया था कि सपोर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। और जो डाटा पॉइंट्स, जो बड़े प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्टली 17,600 के आसपास जो है अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर करनी शुरू करी, और फिर मार्केट जब जैसे ही शॉर्ट कवरिंग चालू हुई तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया। और दोस्तों, इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो पाया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पर अगर हमारी बात मान के शॉर्ट पोजिशन नहीं ली होंगी, तो वो इस वाले अपसाइड मूव में अच्छा पैसा कमाया होगा उन लोगों ने, और शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने नहीं ली होगी वो इस वाले अपसाइड मूव में लॉस भी नहीं किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूव समझ में आ गया होगा जो कि फ्राइडे को आया मार्केट के अंदर। अभी जो मैंने आपको बताया कि आखिरी में जो बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट कवरिंग की, तो वही चीज हमारी मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो हुई बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो ये शॉर्ट पोजिशन कवर की गई है और मार्केट ऊपर आ गया है। मार्केट ने क्लोजिंग दी 17,800 के आसपास, तो इट इज़ वेरी गुड क्लोजिंग। अगर हम लो पॉइंट के जो 17,600 का है वहां से अगर कंपैरिजन करें, तो 200 पॉइंट की अपसाइड मूव आने के बाद क्लोजिंग दी है, तो ये मार्केट की एक स्ट्रेंथ भी दिखाता है। साथ में शॉर्ट कवरिंग जो होती है वो मतलब ये बताती है, देखो यहाँ पे कोई फ्रेश पोजिशन तो नहीं बन रही, हम लोग 1 तारीख से डिस्कशन कर रहे हैं, जब से अप्रैल मंथ शुरू हुआ है कोई भी फ्रेश पोजिशन नहीं बन रही है। जो भी दोनों साइड के मूव आ रहे हैं वो केवल पोजिशन क्लोजिंग की वजह से आ रहे हैं। नीचे मार्केट होता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेते हैं तो मार्केट में अपसाइड मूव आ जाता है। मार्केट ऊपर होता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशंस कवर कर लेते हैं। और आप कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों साइड की पोजीशंस कवर कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा प्लेयर जो है वो ओपन एंडेड अकाउंट रखता है, ठीक है। ओपन एंडेड अकाउंट, ओपन एंडेड अकाउंट क्या होता है कि वहां पर फ्यूचर्स के अंदर बड़ा प्लेयर क्या कर सकता है कि वो शॉर्ट पोजीशंस को बिना क्लोज करे हुए भी, मतलब शॉर्ट पोजीशन अगर उसने बनाई है तो उसको बिना क्लोज किए, मतलब उसको बिना टच किए भी वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वो क्रिएट कर सकता है, और या फिर लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस हैं उनको अनवाइंड कर सकता है। तो उसके पास हर टाइम दो टाइप की पोजीशंस होती हैं, शॉर्ट वाली भी होती हैं, लॉन्ग वाली भी होती हैं, और ये फैसिलिटी बड़े प्लेयर को दी जाती है, रिटेल प्लेयर्स को नहीं दी जाती है। तो इसलिए इस बात को शॉक मत होना, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी चल रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी चल रही है। तो ये बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर इस तरीके से ही आपको मतलब अपने हिसाब से मार्केट चलाएगा, और उसके पास दोनों तरह की पोजीशंस होती हैं। बट अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तो वो शॉर्ट कवरिंग की आई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नई पोजीशन नहीं बनी है, जब तक नई पोजीशन नहीं बनेगी तब तक कोई बड़ा अपसाइड या बड़ा डाउनसाइड मूव नहीं आएगा, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग मूव एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। और ये शॉर्ट कवरिंग मूव आपको लाइव मार्केट में बता भी दिया गया था, क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इस वाले शीट के ऊपर आते हैं।
यहाँ पर इस शीट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मनी फ्लो जो है पिछले महीने का, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये सबसे मतलब 2022 के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे हैवी इनफ्लो आया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये बड़ा अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, कम से कम LIC के IPO के लिए। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड्स का जो इनफ्लो आया है कस्टमर्स के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो क्या करेंगी LIC को IPO के अंदर अप्लाई करेंगी, और LIC का IPO जो है वो मेरे हिसाब से मई के अंदर सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है, तो ये जो पैसा है ये बचा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, और ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं अब देखते हैं कितना फंड जो यूज करेंगे, और मेरे हिसाब से काफी कम फंड अभी यूज करेंगे अप्रैल मंथ के अंदर, जो पब्लिक का पैसा है उसको लगाएंगे जो वो लोग मार्केट के अंदर, बेसिकली पैसा जो होगा वो LIC के अंदर लगाया जाएगा, तो LIC का IPO जो है वो सक्सेसफुल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट लिस्टिंग गेन जो है उसकी उम्मीद काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंड खूब है LIC के IPO को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, इस वक्त ख्याल रखिएगा, तो ये बड़ा अच्छा है मार्केट के लिए और LIC के IPO के लिए भी, और LIC का IPO जब भी आएगा मार्केट एक अच्छे लेवल पे होगी, इस वक्त का भी ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मार्केट जब तक LIC का IPO नहीं आता, जब तक मार्केट अच्छे लेवल पे मंडराती रहेगी, अच्छे लेवल के ऊपर सस्टेन रहेगी, और आपको स्टॉक्स में भी काफी अच्छे मूव्स मिल रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये तो होगी एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात, फ्यूचर जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी बात करें प्रोप्राइटर्स की, तो प्रोप्राइटर्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं। ठीक है, FIs भी यहाँ पॉजिटिव हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, अभी आपको बताया भी था। रिटेल ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहा है, तो रिटेल ट्रेडर इस वक्त जो है वो कॉल राइटिंग भी कर रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर्स के अंदर वो बेयरिश, कॉल राइटिंग भी कर रहा है वो भी बेयरिश, तो इस वक्त रिटेल ट्रेडर बेयरिश है। FII जो है वो कॉल बाइंग भी कर रहा है, और पुट सेलिंग और कॉल बाइंग तो प्रोप्राइटर भी कर रहा है, तो ओवरऑल बड़ा प्लेयर जो है वो बुलिश है इस वक्त, और छोटा प्लेयर जो है वो बेयरिश है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट का क्या मूड रह सकता है। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा बड़े प्लेयर्स को ही फॉलो करती है। बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल्स जो है वो मार्केट के अंदर अब जो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो स्क्वीज होना शुरू हो चुकी है। तो अब वैसे भी 3 दिन का जो है ये हफ्ता है, अपकमिंग हफ्ता, तो यहाँ पर वॉलिडिटी जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, नीचे जो है 17,600 और ऊपर 18,000, तो 400-500 पॉइंट के अंदर मार्केट खत्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मैं अपना प्लान बता देता हूँ कि अगर 18,000 या इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज करके शांति से बैठ जाऊंगा, क्योंकि छोटा हफ्ता भी है, ज्यादा ट्रेडिंग करने का या फिर ज्यादा कुछ यहाँ पे माथापच्ची मारने का मार्केट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि छोटा वीक है इसीलिए। और जो 4 दिन बचेंगे, जो 4 दिन छुट्टी आएगी अभी, उसके अंदर आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो जरूरी है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की पोजिशंस को कैरी करके नहीं जाऊंगा जब ये 4 दिन की छुट्टियां आएंगी। तो और मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज करके भी जाऊंगा 18,000 के आसपास, अगर मार्केट मुझे मिलता है तो यहाँ पर क्योंकि तो पॉजिटिव है सेंटिमेंट मार्केट का, तो थोड़ा सा अपसाइड मूव जो है वो 17,960 लिख लीजिए इस लेवल को, 17,960 से लेके 18,000 का जो लेवल रहेगा वो प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा मेरे हिसाब से, और मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा अपसाइड मूव जब भी आएगा। तो क्लियर, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हो गई निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहता है देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है दोस्तों वो भी अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, तो यहाँ पर अब जो है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए 38,000 के आसपास, 38,000 से लेके 38,200 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देंगे अपनी पोजीशंस के अंदर जो हमने लॉन्ग साइड की ले रखी हैं। तो ठीक है, वैसे हमको बता देते हैं कि हमने लॉन्ग साइड की पोजीशंस ली हुई हैं एज ए मेंबर्स ग्रुप, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं पहले से पहले, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देंगे, रेसिस्टेंस के जो लेवल आपको बता दिए गए हैं। तो छोटा वीक है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उम्मीद मुझे पर्सनली नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग साइड की पोजीशंस ही बुक करेंगे। ऑप्शन चेन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पुट सेलिंग जो है बड़ा प्लेयर कर रहा है, तो पुट सेलिंग जो है आपको यहाँ मिलेगी बहुत हैवीली मिलेगी। जो पुट सेलिंग हुई है वो आप चेक कर सकते हो, वो 2 लेवल के ऊपर हुई है, 17,600 के ऊपर भी हुई है फ्रेश पुट सेलिंग, और 17,700 के ऊपर भी फ्रेश पुट सेलिंग हुई है। तो यानी कि आराम से आपको ये
मतलब ये दो लेवल जो है, ये दो लेवल जो है 17,700-17,600 जो लेवल है दोनों के दोनों, ये सेफ रहने की उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर कम से कम, ठीक है। और यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 17,900 के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है कि 17,900 के ऊपर मार्केट कम से कम एक बार जाना चाहिए इस हफ्ते के अंदर। तो ये ऑप्शन चेन जो है वो इस वक्त बुलिश दिख रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेवल बता दिए गए हैं, एक्शन जो है मैंने जो लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।